नया शिक्षा नियमावली के खिलाफ नियोजित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, जातीय जनगणना का बहिष्कार का निर्णय, मांग पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर करेंगे हल्ला बोल प्रदर्शन। परसौनी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र परिसर में आज बिहार राज्य संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर नए शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में शिक्षकों ने सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता राधे श्याम प्रसाद ने किया। राधे श्याम प्रसाद ने बताया, 2023 को बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बनाई है, जिसके तहत बीपीएससी या अन्य आयोग के द्वारा, आयोग ही लिखा गया है उसमें, इसके द्वारा शिक्षकों की बहाली होगी। जो सरकारी कर्मी होंगे, हम लोग जो 4 लाख शिक्षक पूर्व से नियोजित हैं, उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा कि वो नियोजित के नियोजित ही रहेंगे। इसके खिलाफ हम लोग जनगणना कार्य के बहिष्कार करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। फिर कल जो हमें राज्य से दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उसके आलोक में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि हमें भी उस नियमावली में समायोजित किया जाए, क्योंकि हम 21 वर्षों से कार्यरत हैं हम लोग, और सरकार कहती है कि नहीं, जो बीपीएस जो आयोग से एग्जाम पास करेगी उसको ही हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। तो भैया, 21 साल हम लोगों ने जो सेवा की, 21 साल बाद सरकार फिर कह रही है आप TET लिए, STET लिए, दक्षता परीक्षा लिए, इसके बाद आप हमको योग्य माने शिक्षक का, अब फिर सरकारी कर्मी बनने के लिए बीपीएससी का एग्जाम देना होगा 21 साल बाद, ये कहाँ का न्याय है? सरकार के इसी शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग आज यहाँ जमा होकर के इस जनगणना कार्य का पुरजोर विरोध किए हैं, और जब पर की लड़ाई भी लड़ेंगे सरकार से। इसके आगे का कदम हमने आपको बतलाया कि कल हमारे स्टेट लेवल की फिर मीटिंग है, जो निर्णय लेगी कि फिर आगे का कदम क्या होगा। सरकार को 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार ने उस अल्टीमेटम का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अभी जो है जनगणना कार्य को लेकर, 15 से जनगणना करना, जी जनगणना के लिए जो है यहाँ पे सब शिक्षकों को जो है इसका जो है सामग्री ये भी दिया गया था। जी अचानक इस तरह का जो है स्टेप लेना, अचानक चूंकि 10 अप्रैल को सरकार ने यह नियमावली बनाई है, इसके बाद हम लोग इसके खिलाफ, हम लोग तो सरकार के साथ थे ही, हम लोग को आश्वासन मिला था कि आप लोगों का जिला कैडर होगा, आप लोग को भी राज्य कर्मी बनाई जाएगी, हमारी बहनें कहीं कहीं की है, कहीं नौकरी कर रही है, उन लोगों को स्थानांतरण की सुविधा दी गई है, अगर स्टेट कैडर राज्य कैडर हो जाता ये डिस्ट्रिक्ट कैडर तो सब लोगों का ट्रांसफर सुलभ हो पाता। इसी सब के खिलाफ, क्योंकि हम लोग यह मान के चल रहे थे कि जो नई नियमावली आएगी हम लोगों के लिए भी होगी, लेकिन वह नियमावली हम लोगों के लिए नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यह नियमावली, यह पूर्व से जो नियोजित 4 लाख हैं, इन लोगों के लिए नहीं है।